सहराए अरब से इस्लाम का चश्मा फूटा और वो रेगजार जिन्हें सदियों से किसी सियाह ने काबिल तवज्जो ना समझा था, जमाने की निगाहों का मरकज बन गए। जहालत की तारीकियों में भटकने वाली इंसानियत जिस आफताबी हदायत की मुंतजिर थी, वो फरान की चोटियों से नमुदार हुआ। उस दिन जब आमना के लाल, अब्दुल्ला के बेटे और अब्दुल मुतलब के पोते का नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तजवीज़ किया जा रहा था, मुसव्वर फितरत दुनिया के नक्शे में एक नया रंग भर रहा था, कुदरत अक़वाम आलम की रहनमाई अरबों को सौंप रही थी और मुअर्रख तारीखी आलम का एक नया बाब लिख रहे थे, रहमत के फरिश्ते गुलामी और जहालत की जंजीरों में जकड़ी हुई मजरूह इंसानियत को हुर्रियत, अख़ुव्वत और मसावात का सबक दे रहे थे। अरब के सहरान नशीन लातो हुबल को तोड़कर उठे और दुनिया पर रहमत की घटा बनकर छा गए और उनके लोहे ने हर लोहे को काटा। उनकी तहजीब, तमुद्दन और इखलाक ने हर तहजीब, हर तमुद्दन और हर इखलाक पर फतेह हासिल की। उन्होंने दुनिया से फसाद के दरख्त की जड़ें काटी और बाग आदम में अपने खून से सुलह अमन के दरख्त की आबियारी की। कुफर की तारीखियाँ दोपहर के साय की तरह सिमट रही थीं। कैसरो किसरा के असदबदाद के मोहल्ले मिसमार हो चुके थे। गाजियान इस्लाम की फतवाहत का झंडा एक तरफ कोई अलबर्ज की बर्फानी चोटियों और दूसरी तरफ अफ्रीका के तपते हुए रेगजारों में लहरा रहा था। उनके घोड़े बयक वक्त मशरक में हिंदुस्तान और मगरब में स्पेन के दरियाओं का पानी पी रहे थे। 1300 बरस के बाद आज भी एक मुहर्रक हैरान होकर यह सवाल करता है कि अरबों के घोड़े की रफ्तार गैर मामूली थी या कुदरत ने उनके सामने ज़मीन को सिमटना सिखा दिया था। ये एक इनकलाब था, एक रोशन इनकलाब। कुदरत ने अरब के रेत के जर्रों को सितारों की चमक अता की और उन्हें दुनिया की तारीख तरीन गोशों में बिखेर दिया। लेकिन 600 साल के बाद एक और इनकलाब आया, एक तारीख इनकलाब। शायद इस्लाम के चराग ने जिस तारीकी का कई सदियों ताकुब किया था, चारों अतराफ से समट कर सराय गोभी में पनाह ले चुकी थी। शायद उस आग की चिंगारियाँ जिसे अरब के पानी से बुझाया जा चुका था, सराय गोभी की ठंडी रेत में दबकर सुलग रही थी और 600 बरस से इस इंतजार में थी कि खुरमन इस्लाम के मुहाफिज कब सोते हैं। हकीकत यह है कि खुरमन इस्लाम के मुहाफिज एक मुद्दा से ऊँग रहे थे और कुफर की आग 600 बरस इसलिए दबी रही कि कुरोने औला के मुजाहिदीन की दास्तानें उसके लिए पानी की चींटों का काम देती रहीं। दुश्मनान इस्लाम की दौलत अब्बासिया के खोखले महल भी इस कौम के नाकाबिले तस्कीर कले दिखाई देते थे, जिसके इसलाफ ने पहली सदी हिजरी में दुनिया के बड़े बड़े जाबर बादशाहों के ताज अपने पाँव तले रौंद डाले थे। करीबन 600 साल के बाद जबरो अस्तबदाद की वो हवस जो रूमो ईरान की सतूत के खंडरों में सो रही थी, सराय गोभी के एक चरवाए के वजूद में नमूदार हुई। उस चरवाए का नाम तमुजन था, बाद में वो चंगेज खान के नाम से मशहूर हुआ। दुनिया का वो फाते जिसके इकबाल का सफीना खून के दरिया में तैरता था, जिसके मुकद्दर में जुल्मत के तूफानों की रहनमाई थी। इसी चंगेज खान की क्यादत में मंगोलिया के वैशी कबाइल एक आंधी की तरह उठे और तहजीब का हर चिराग बुझाते हुए दुनिया के चारों तरफ छा गए। 600 साल पहले जो बादल सराय अरब से नमूदार होने थे, उन्होंने बाग आदम पर रहमत के मोती निछावर किए थे। लेकिन 600 साल बाद सराय गोभी से एक आंधी नमूदार हुई, उसमें बादलों के बजाय फटी हुई आतिशफशां पहाड़ों का धुआं था और इस धुएं के बादलों के लिहाफ में उस आतिशफशी मादे का बेपनाह सैलाब था जो शहरों और बस्तियों को जलाता हुआ गुजर गया। बाबल, नीनवा और पोम्पी आय के खंडर देखकर इंसान की रूह कुदरत के जिन तकरीबी उनासर की हुमागिरी का एतराफ़ करती है, वो तातारियों के आतिशीन तूफान के सामने बेहकीकत बनकर रह जाते हैं। महजब दुनिया के लिए चंगेज़ खान के फवाद का तरीका जंग बिल्कुल नया था। दुनिया उनके लिए एक वसी शिकारगाह थी। खाना बदोश तातारियों के पास घोड़ों की कमी ना थी। भेड़ बकरियों के अलावा वह घोड़ों के गोश्त और दूध पर गुजारा करते थे। इसके अलावा वह जंगल के हर जानवर का गोश्त खा जाते थे। सराय गोभी में शहरों और बस्तियों का नाम न था। अगर कहीं बारिश हो जाती तो ये खाना बदोश वहाँ जा निकलते और जब तक उनके मवेशी घास का आखिरी तिनका तक ना चर लेते, वो वहीं रहती और फिर जब कोई मुसाफिर ये पैगाम देता कि फला मकाम पर बारिश के चंद छींटे पड़े हैं, तो वो उधर का रुख कर लेते। बाज़ औक़ात नई चरागाहों की तलाश में एक कबीले की दूसरे कबीले से लड़ाई हो जाती और ताकतवर अपने कमज़ोर हरीफ के मवेशियों पर काबिज होने के अलावा उनके मर्द और औरतों को गुलाम बना लेते। इसलिए कमज़ोर कबाइल अपनी हिफाजत के लिए मुतहिद होकर किसी ताकतवर आदमी को अपना अमीर बना लेते। सर्दियों में शिमाल की सर्द हवाओं से यह तमाम इलाका कुर्राए मोहरीर बन जाता। रेत के तौदों पर बर्फ़ की चादर बिछ जाती। चारा ना होने की वजह से मवेशियों का दूध सूख जाता और वो गर्मियों के बचाए हुए खुश्क गोश्त पर गुजारा करते। कभी कभी तेज़ आंधियाँ उनके खेमे उड़ा कर ले जाती और उनके मवेशियों को इधर उधर कर देती। फितरत के साथ एक दायमी जंग ने उन लोगों को हद दर्जा जफाकश बना दिया था।
वो कई कई दिन तक घोड़े की पीठ पर बैठ सकते थे और कई कई दिन भूखे रहकर लड़ सकते थे। चंगेज खान ने बड़े बड़े सरदारों की सरकूपी करने के बाद उन्हें अपना मती फरमान बना लिया। फिर खाना बदोश ततारियों के सामने उन ममालिक के नक्शे पेश किए जहाँ लहलाते बाग, सरसब्ज खेतियाँ और सदाबहार चरागाहें थीं। लूटमार की हवस ने तमाम खाना बंदूश को चंगेज खान के झंडे तले जमा कर दिया। ततारी हमसाए ममालिक पर भूखे उकाब की तरह झपटे और वो अकवाम जिन्हें पुरअमन जिंदगी ने तन आसान बना दिया था उनकी हमलों की ताब ना ला सकी। चंद बरस में चंगेज खान की फवाज शिमाल और मशरक के कई ममालिक पर कब्जा कर चुकी थी। हमसाया सल्तनतें उनकी फतवाहत की रफ्तार पर हैरान थीं। वो एक एक दिन में कई कई मनाजिल तय करते और बयक वक्त कई मकाम से दूसरे मकाम पर यलगार कर देते। उन ममालिक की फवाज हमला आवरों को रोकने के लिए किसी एक सरहद पर जमा होती। चंगेज खान की फौज का एक हिस्सा उनका मुकाबला करता और बाकी फवाज मुखालिफ समतों से मुल्क में दाखिल होकर शहरों और बस्तियों पर कब्जा करके सल्तनत का तमाम निज़ाम मफलूर कर देती। बाजुकात यूं भी होता कि किसी मुल्क का सिपा सलार ततारियों के पेश कदमी से बखबर होकर उनका रास्ता रोकने के लिए सरहद पर पड़ाव डाल देता। उसके जासूस उसे हर रोज यही खबर देते कि हमला आवरों का रुख उसी तरफ है। लेकिन एक सुबह को यालची ये पैगाम लेकर आ जाता कि चंगेज खान की बाकी फवाज ने दूसरी सरहद अबूर करके दारुल हुकूमत पर कब्जा कर लिया है। तातारियों की हैरत अंगेज कामयाबी का राज उनकी रफ्तार में था। वो घोड़ों की नंगी पीठ पर सवारी करते थे। हर सवार के साथ कई कई घोड़े होते थे। जब एक घोड़ा थक जाता तो सवार दूसरे घोड़े पर बैठ जाता। अगर यलगार के वक्त सवार को भूख महसूस होती तो वो घोड़े की पीठ पर खंजर से जख्म करके उसके खून के चंद घूंट पी लेता। लंबे सफर में भी तातारी अपने साथ बहुत थोड़ा सामान रसद उठाते थे। जंगल में वो फालतू घोड़े खा लेते और रास्ते के शहरों और बस्तियों से मवेशी छीन लेते। अगर किसी शहर के बशिंदे मुजाहमत के बगैर हथियार डाल देते तो ततारी सिर्फ उन लोगों को कत्ल करते जिन्हें सिपायाना खिदमत के काबिल समझा जाता था। ताहम हर सिपाही मफतू कौम की औरतों की भी हुरमती करना अपना हक समझता था। अगर कोई शहर मजामत के बाद फतह होता तो मकानों को आग लगा दी जाती और मकीनों को कत्ल कर दिया जाता। हर फौज का जर्नैल अपने सिपाहियों को फतह की यादगार तामीर करने का हुक्म देता। ततारी सिपाही नौजवानों के अलावा बच्चों, बूढ़ों और औरतों के सर काट कर मीनार बना देते थे। फिर जिस फौज का मीनार सबसे बुलंद होता उसके अफसरों और सिपाहियों को चंगेज खान शाबाश देता। बाजुका दो सिपाहियों में इस बात का झगड़ा भी हो जाता कि तुम्हारा मीनार अंदर से खोखला है वरना आज मेरी फौज ने ज्यादा सर काटे हैं। ये वो कौम थी जिसके हाथों में आलम इस्लाम की इबरतनाक तबाही मुकद्दर हो चुकी थी। इस आलम इस्लाम की तबाही जो इंतशार और लाम मरकजियत की आखिरी हद तक पहुँच चुका था, उन मुसलमानों की तबाही जो गुफलत की नींद सो रहे थे, अपनी ख्वाहिशात के मुताबिक उसकी तावीलें गढ़ने की आदि हो चुके थे। उनके पास आधी दुनिया को फतह करने वाली इस्लाफ की तलवारें अब भी थीं, लेकिन इस्लाफ का ईमान न था। मदीने से कोई डेढ़ कोस के फासले पर एक छोटी सी बस्ती की मस्जिद में सुबह की नमाज के बाद शेख आहमद बिन हसन कुरान और हदीस का दरस दे रहे थे। ताहिर बिन यूसुफ मस्जिद में दाखिल हुआ और शेख की तरफ देखने लगा। ताहिर की उम्र कोई 20 साल के करीब थी। उसके दराज कामत सडूल जिस्म और हसीन चेहरे पर गायद दर्जा की शौकत और दिल फरेबी थी। निगाह में उकाब की सी बेबाकी उसकी जहानत की आईनादार थी। अहमद बिन हसन ने सवाल किया कि यार हो आए? जी हाँ, मैं अम्मी जान से रुखसत हो आया हूँ। अहमद बिन हसन ने शागिर्दों को रुखसत किया और उठकर नौजवान के साथ मस्जिद से बाहर निकल आए। मस्जिद के दरवाजे से बाहर शेख का एक नौकर घोड़ा लिए खड़ा था जो सफर के जरूरी सामान से लैस था। अहमद बिन हसन ने घोड़े की गर्दन पर थपकी दी। घोड़े ने गर्दन उठाई, कान खड़े कर लिए और अगला सुम जमीन पर मारने लगा। अहमद बिन हसन ने मुस्कुराते हुए तैर की तरफ देखा और कहा, तुम्हारा घोड़ा कह रहा है कि धूप तेज हो रही है, हमें जल्द रुखसत करो। ताहिर, मेरे जेहन में इस वक्त कोई ऐसी बात नहीं जो मैं तुमसे बार बार पहले नहीं कह चुका। बगदाद तुम्हारे लिए एक नई दुनिया होगी। वहां तुम जैसे नौजवान के लिए बनने और बिगड़ने के हजारों सामान मौजूद हैं। चाहो तो उस बाग के कांटों से उलझ कर रह जाओ, चाहो तो अपना दामन महकते हुए फूलों से भर लो। बगदाद खूबियों और बुराइयों का मरकज है, लेकिन अब बुराइयां ज्यादा हो रही हैं और खूबियां कम। तुम्हें कई तलखियों का सामना करना पड़ेगा और कई हौसला शिकन मराइल से गुजरना होगा। काजी फखरुद्दीन मेरा खत पढ़कर यकीनन तुम्हारे लिए बहुत कुछ करेंगे और मुमकिन है कि उनकी मदद से तुम दरबार खिलाफत तक रसाई हासिल कर सको। दरबार खिलाफत पर तुर्क और ईरानी उमरा का गलबा है। वो तुम्हारा रास्ता रोकने की हर मुमकिन कोशिश करेंगे, लेकिन मुझे तुम्हारी सलाहियतों पर भरोसा है। तुम इलम के गहरे दरियाओं की सैर कर चुके हो। मदीने के बेहतरीन दिमाग तुम्हारी जहनत पर रश्क करते हैं। मोमन की जिंदगी का दूसरा जोर सिप्पागिरी है
और तुम तलवार से खेलना भी जानते हो, इस वक्त आलम इस्लाम को तुम्हारे इलम से ज़्यादा तुम्हारी तलवार की ज़रूरत है। बगदाद में काजी फ़खरुद्दीन तुम्हारे लिए बेहतरीन रहनुमा साबित होंगे। अगर उनके वसीले से तुम कोई बुलंद मरतबा हासिल कर लो तो ये बात याद रखना कि इमारत का नशा बुरा होता है। खुदा की खुशनूदी को खलीफा की खुशनूदी पर मुकदम समझना और हमेशा ख्याल रखना कि तुम अब्दुल मुल्क बनने के लिए नहीं, अब्दुल्ला बनने के लिए पैदा हुए हो। अपनी दौलत के लिहाज से तुम बगदाद के अमीर तरीन आदमियों में शुमार किए जाओगे। मैंने उन जवाहरात में से एक हीरा एक जोड़ी को दिखाया था और उसने मुझे बताया था कि इसकी कीमत 10,000 दिनार से कम नहीं। मैंने उनमें से 5 बड़े हीरे रख लिए हैं, वो मेरे पास अमानत रहेंगे। इसके अलावा मैंने तजारत में तुम्हारा हिस्सा रखा था, अगर तुम्हें एतराज़ ना हो तो मैं तुम्हारे लिए यहाँ एक बाग खरीद लूँ। नौजवान ने कहा, मुझे तो आपने मजबूर किया है, वरना मैं तो इतनी दौलत साथ ले जाने की ज़रूरत नहीं समझता। शेख ने कहा, इसके मुतल्लक काफ़ी बहस हो चुकी है और बगदाद जाकर तुम्हें महसूस होगा कि मेरी राय सही थी। हाँ, इस दौलत से कहीं ज़्यादा कीमती चीज़ तुम्हारे पास सलाहुद्दीन अयूबी की तलवार है और तुम उसका हक अदा करना जानते हो। अब चलो, तुम्हें देर हो रही है। अमीन कहाँ है? वो मेरे साथ जाने पर बजिद था, मैंने उसे नौकर के साथ शहर भेज दिया है। घोड़े की बाग पकड़ते हुए तायर ने मुसाफिर के लिए शेख की तरफ हाथ बढ़ाया, लेकिन शेख ने मुसाफिर की बजाय अपने हाथ फैला दिए और आगे बढ़कर नौजवान को गले लगा लिया। मेरे बेटे, उसने भराई हुई आवाज़ में कहा, तुम्हारी जुदाई मेरे लिए बहुत सब्र आजमा होगी, खुदा तुम्हारे नेक इरादों में बरकत दे। अहमद से बगलगीर होने के बाद नौजवान ने खुदा हाफिज़ कहकर मुसाफिर के लिए दोबारा हाथ बढ़ाया, लेकिन अहमद ने कहा, तुम घोड़े पर सवार हो जाओ। नौजवान घोड़े पर सवार हुआ और बूढ़े शेख ने उसके घोड़े की बाग पकड़ ली। नहीं, मुझसे ये गुस्ताखी नहीं हो सकती, ये कहकर नौजवान ने घोड़े से उतरने की कोशिश की, लेकिन शेख ने उसे हाथ से रोकते हुए कहा, बेटा, मुझे एक मुजाहिद के घोड़े की बाग पकड़ने की सआदत से महरूम ना करो। अगर सदीकी अकबर उसामा बिन ज़ैद के घोड़े की बाग थाम कर अपना सर मुबारक फ़खर से ऊँचा कर सकते थे तो मुझे भी आज अपनी खुशबख्ती पर नाज है। बुढ़ापे में मेरे नहीं हाथ अगरचे तलवार नहीं उठा सकते, लेकिन इनमें तुम्हारे घोड़े की बाग थामने की कुव्वत अभी बाकी है। खुशबख्त है वो कौम जिसके अफराद जवानी में तलवारों से खेलते हैं और बुढ़ापे में अपने बच्चों के घोड़ों की बाग पकड़कर उन्हें मैदान जहाद का रास्ता दिखाते हैं। अहमद बिन हसन तार के घोड़े की बाग पकड़ते हुए निकलिस्तान से बाहर निकले। वो कुछ दूर और उसके साथ जाना चाहते थे, लेकिन तायर ने कहा, आप ज़्यादा तकलीफ ना कीजिए, मुझे इजाज़त दीजिए। अहमद बिन हसन ने घोड़े की बाग तायर के हाथ में देते हुए कहा, ताहिर, मैंने सुना है कि बगदाद के दरख्तों की छांव बहुत ठंडी होती है, बेटा वहां जाकर सो ना जाना और वहां ज़ैद का ख्याल रखना। वो बहुत सीधा आदमी है, बगदाद के उमरा के होशियार और चलाक नौकरों से उसका मुकाबला ना करना। उसकी सादगी कभी कभी हमाकत की हद तक पहुँच जाती है, लेकिन उसकी बहादुरी और आसार उसकी हर कोताही की तलानी करती है। ताहिर ने कहा, आप इत्मीनान रखिए, मैं उसे अपना दोस्त समझता हूँ। अहमद बिन हसन ने खुदा हाफिज़ कहकर घोड़े की बाग छोड़ दी। ताहिर बिन यूसुफ उस ज़माने में पैदा हुआ था जब सलाहुद्दीन अय्यूबी की तलवार आलम इस्लाम की तरफ यूरोप की ईसाई ताकतों की यलगार रोके हुए थी। गुज़श्ता सदी में तुर्कान सल्जूक ने एक तरफ बगदाद की उबासी खुलफा की कमजोरी से फ़ायदा उठाकर तुगरल बैग, अल परसलान और मुल्क शाह जैसे फातहीन की क्यादत में आर्मीनिया, एशियाई कोचक और शाम में एक वसी सल्तनत कायम कर ली थी और दूसरी तरफ बाज़नतीनी सल्तनत से बुहरा अरब के बहुत से साली इलाके छीन लिए थे। 623 में सलजूकी तुर्कों ने बाज़नतीनी अफवाज को मलाजरों के मकाम पर फैसला कुन शिकस्त दी। सलजूकी तुर्कों की बढ़ती हुई ताकत से खौफजदा होकर पू पर बंसानी ने यूरोप की ईसाई रियासतों से इस्लाम के सैलाब के खिलाफ मुतहिदा मुहाज बनाने की अपील की। पूप की अपील एक अरसा के लिए कोई खातर खा नतज पैदा ना कर सकी। यूरोप के बादशाह सलजूकियों की तलवारों के सामने सीना सुपर होने के लिए पूप की तरफ से फकत स्वाब आखरत का वादा काफ़ी नहीं समझते थे। उनकी निगाह में दुनिया की मुनफत के लिए सलजूकियों से नबुर्द आजमा होना शिकार के लिए उकाब के घोंसले में आहट डालने से कम खतरनाक था। लेकिन उस जमाने में एक फ्रांसीसी राबब उठा, उसने अचानक यूरोप की अवाम को आलम इस्लाम के खिलाफ मुश्तिल कर दिया। उस राबब का नाम पतरस था। उसने सुलैब उठाई और गद्दे पर सवार होकर तमाम यूरोप का चक्कर लगाया। उसके फटे पुराने लिबास और नंगे पाँव से मजलूमियत बरसती थी। उसकी निगाहों में बदले की चिंगारियाँ थीं और जबान पर जहरीले नश्तर थे। वो जहाँ जाता लोग उसके गिर्द जमा हो जाते। वो अर्ज़ मुकद्दस पर सलजूकियों के मुजालम की फर्जी दास्तानें बयान करता, खुद रोता और दूसरों को रुलाता। अवाम उसकी हर तकरीर के इख्तिताम पर सुलैब की हुरमत के लिए कुर्बान हो जाने की कस्में खाती। अवाम का जोश खरोश देखकर यूरोप की हर छोटी और बड़ी सल्तनत के हुक्मरान
आलम इस्लाम के खिलाफ एक फैसला कुन जंग लड़ने के लिए तैयार हो गए। हलाल के खिलाफ सुलैब की तमाम कैरमानी कुवतें यकजा हो चुकी थी, लेकिन मुल्क शाह की वफात तक यह सैलाब रुका रहा। मुल्क शाह की वफात के बाद सलजूकी सल्तनत टुकड़े टुकड़े हो गई। उसके तनजुल की रफ्तार हिंदुस्तान में औरंगजेब आलमगीर की वफात के बाद सल्तनत मुगलिया के तनजुल की रफ्तार से भी तेज थी। 7 साल के अरसे में मगरब की तरफ आलम इस्लाम का वो दिफाई मोर्चा जिसे यूरोप की ईसाई रियासतें नाकाबिल तस्कीर समझती थी खुद ब खुद टूट गया और 690 में ईसाइयत का सैलाब आलम इस्लाम पर उमड़ आया।